नमस्कार, मैं नगेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेम की अप्लाइड केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड का चैप्टर है सीमेंट। हम यहाँ पर सीमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ेंगे, सीमेंट को बनाने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल को स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ जो सीमेंट बनाने का प्रोसीजर है उसको स्टडी करेंगे और सीमेंट का सेटिंग और हार्डनिंग की रिएक्शंस हैं उनको भी स्टडी करेंगे। देखिए, हम यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ेंगे क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट ही हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट को जोसेफ एस्पीडन, जो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया, इन्होंने इसको बनाया। हम सीधे जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके मैन्युफैक्चर पर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, क्या क्या इसको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल वो कच्चा पदार्थ होता है जो सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक है और उपयोगी है। सीमेंट तो बनाने के लिए, या कहूँ मैं पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए, तीन तरह के पदार्थों की आवश्यकता होती है। एक चूनेदार पदार्थ होता है, कैलकेरियस मटेरियल बोलते हैं। यह ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या कहें चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, जो चूनेदार पदार्थ के रूप में होता है, या चूना, पत्थर, खड़िया, या ये संगमरमर पत्थर हो सकता है जो कैल्शियम युक्त मटेरियल होता है, कैलक्रेस मटेरियल होता है। दूसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो मृणमय पदार्थ होता है, एग्रीलेसियस मटेरियल होता है। इसमें सिलिका, एलुमिना, आयरन रॉ मेटल के रूप में होता है और इसके लिए हम चिकनी मिट्टी, रेत और सैल का यूज़ करते हैं। तो ये दूसरा कंपोनेंट होता है जो सीमेंट बनाने के लिए रॉ मेटल के रूप में उपयोगी है। तीसरा जिप्सम होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है इन दोनों की तुलना में, लेकिन बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O इसके साथ जुड़े हुए थे। हार्डेड फॉर्म के रूप में होता है, हार्डेड फॉर्म में होता है यहाँ पर H2O। तो ये रॉ मटेरियल होता है जो आपको सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक होता है। अब हम स्टेप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो पोर्टलैंड सीमेंट बनता है वो किन किन स्टेप के थ्रू बनता है, तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेप होता है मिक्सिंग, दूसरा स्टेप होता है बर्निंग और तीसरा स्टेप होता है ग्राइंडिंग। मिक्सिंग यानी मिलाना, बर्निंग यानी जलाना और ग्राइंडिंग यानी पीसना। देखो, आप शब्दों से ही पता चल रहा है कि इन तीनों प्रोसेस में क्या होने वाला है। देखिए, आपको मैंने अभी बताया रॉ मटेरियल क्या क्या है, कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या लिया है। अब उस कच्चे पदार्थ से हमको सीमेंट बनाना है और वो भी पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है। उसके लिए हमारे पास तीन स्टेप होते हैं, मिक्सिंग, बर्निंग और ग्राइंडिंग। तो पहले स्टेप को हम देखते हैं मिक्सिंग। देखो, मिक्सिंग मिलाना, जो मिक्सिंग का स्टेप है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वेट मेथड और ड्राई मेथड। यानी वेट मेथड में गीला मेथड होता है और ड्राई मेथड यानी सूखा मेथड होता है। देखो, मैंने इन दोनों को अंतर के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है, इन दोनों को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। वेट मेथड होता है, इसमें जो 65% चूनेदार पदार्थ लेते हैं, 35% मृणमय पदार्थ होता है। इन दोनों को पहले अलग अलग पीसा जाता है और फिर अलग अलग पीस कर पानी के साथ बारीक पेस्ट बना लिया जाता है इनका, और उस बारीक पेस्ट को स्लरी कहते हैं, स्लरी। उस बारीक पेस्ट को क्या करते हैं, पानी में घोल के और बारीक पेस्ट बना लेते हैं, तो उसको स्लरी कहते हैं। तो ये होता है वेट मेथड में। ड्राई मेथड में देखें तो
ट्राई मेथड में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आपने लिया है वो उसका उसको निश्चित अनुपात में लेते हैं, अनुपात ही रहता है, और पानी की उपस्थिति में इसको बारीक पीसा जाता है और ये पाउडर फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ जो वेट मेथड है इसमें पानी की उपस्थिति होती है, वाटर होता है, और वाटर के कारण क्या होता है यहाँ पर बारीक पेस्ट बन जाता है, जैसे स्लरी कहते हैं, लेकिन यहाँ बारीक पाउडर होता है। तो ये मिक्सिंग वाला पद है, मिलाने वाला पद है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है बर्निंग, जलाना। प्रथम पद से प्राप्त तो चिकने पेस्ट को, जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिलाने के स्टेप में हमको चिकना पेस्ट प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, घूमने वाली भट्टी में भेज देते हैं। इसे रोटरी क्लिन कहते हैं। देखो, रोटरी क्लिन एक सीमेंट बनाने के लिए स्पेशल भट्टी होती है, और इसी भट्टी का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। और ये रोटरी क्लिन इसको कहते हैं क्योंकि घूमती रहती है, चलती रहती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह एक बेलनाकार भट्टी होती है जो कि 30 मीटर लंबी और 2 से 5 मीटर व्यास की होती है। बेलनाकार होती है, 30 मीटर लंबी होती है, और जो इसका व्यास होता है वो 2 से 5 मीटर का होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये 15 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, यानी एक सिरा इसका ऊपर की तरफ होता है और दूसरा सिरा नीचे होता है। यदि हम अर्थ सरफेस के इसका एंगल निकालें तो ये 15 डिग्री का इसका एंगल होता है। और जो इसकी आंतरिक परत होती है, इनर लेयर, अग्निशय ईंटों की बनी होती है। ये स्पेशल ईंटें होती हैं, विशेष प्रकार की ईंटें होती हैं, और ये जो ईंटें होती हैं उच्च ताप को सहन करने की क्षमता रखती हैं। और इस जो रोटरी क्लिन होती है, इसकी एक और खासियत होती है कि यह एक चक्कर प्रति मिनट से घूर्णन करती है, यानी घूमती रहती है, जिससे होता क्या है कि जो स्लरी है, हमने जो इसके ऊपरी वाले पार्ट से इसमें स्लरी डाली है, और इसके घूमने के कारण स्लरी क्या है, धीरे धीरे नीचे की ओर गति करती है। भट्टी को कोयले के चून तथा वायु के झोंके से चलाकर गर्म किया जाता है, जिससे भट्टी के जो निचला सिरा है, भट्टी का निचला सिरा, वहाँ क्या करते हैं हम कोयले का चून और वायु जो एयर होती है उसका मिक्सर लेते हैं और मिक्सर को जलाते हैं, तो क्या होता है भट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जो ये पार्ट होता है भट्टी का नीचे वाला पार्ट होता है। और जब इस तरह से भट्टी को हम जलाते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका टेम्परेचर लगभग 1600 से 1700 डिग्री हो जाता है, तथा भट्टी के दूसरी तरफ जाने पर तापमान धीरे धीरे कम ही होती है, क्योंकि भट्टी एक आपने देखा 15 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, और एक जो लोअर पार्ट है वहाँ पर क्या किया हमने, कोयले का चून लिया है और वायु एयर लिए, और दोनों का हमने क्या किया, मिश्रण बनाया है, जिससे हमने भट्टी को गर्म किया है। तो जो भट्टी का लोअर पार्ट है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1600 से 1700 डिग्री हो जाता है, जबकि जो अपर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो भट्टी में क्या विभिन्न तापमान के क्षेत्र बन जाते हैं, और जहाँ से हम सैलरी डालते हैं, प्रथम पद से जो हमें सैलरी प्राप्त होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, और जहाँ सैलरी के बाद जो हमें क्लिंकर प्राप्त होता है, अभी क्लिंकर के बारे में आप आगे समझेंगे क्लिंकर क्या होता है, वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें तापमान के क्षेत्र बन जाते हैं, टेम्परेचर जोन बन जाते हैं, और उन जोन में क्या होता है, अलग अलग रिएक्शन होती है। तो मैंने उन जोन को टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। आप देखिए, ये है पहला ड्राइंग जोन, वाष्पीकरण क्षेत्र। ये जो रोटरी क्लिन होती है उसका अपर पार्ट होता है, और यहीं से हम क्या करते हैं, इसमें सैलरी इंट्रोड्यूस करते हैं, सैलरी को डालते हैं, जो फर्स्ट स्टेप में हमको बारीक चिकनी पेस्ट के रूप में प्राप्त हुई थी। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें क्या होती है, जो सैलरी होती है ये ड्राई हो जाती है, यानी सूख जाती है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, केवल यहाँ पर क्या होता है, जो वेट मटेरियल था, गीला मटेरियल था, वो अब ड्राई मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ जाते हैं रोटरी क्लिन में, तो तापमान बढ़ जाता है, और इसको प्री हीटिंग जोन कहते हैं, यानी तापमान क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, रॉ मटेरियल के रूप में हमने लिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, उस मैग्नीशियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन हो जाता है, टूट जाता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसके बाद जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो इसका
टेम्परेचर जोन है वो है कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन अभी आपने देखा जब रॉ मटेरियल लिया था तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ही मेन रॉ मटेरियल लिया था, यानी कैल्शियम रखने वाले ऐसे रॉ मटेरियल यूज किया था, उसका परसेंटेज भी हमने ज़्यादा रखा था रॉ मटेरियल में। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये इस जो क्षेत्र को कैल्सिनेशन जोन को हम निस्तापन क्षेत्र भी कहते हैं। तापमान 700 से 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके बाद जो लोअर पार्ट होता है रोटरी क्लिन का, इसे हम बर्निंग क्लिंकर जोन कहते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाइएस्ट होता है और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो संपूर्ण मटेरियल जो रोटरी क्लिन के अपर पार्ट से घूमते हुए लोअर पार्ट की तरफ आता है, आपको पता है रोटरी क्लिन घूमती है 1 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से, तो ऐसे में जो सारा मटेरियल होता है वो घूमते हुए और विभिन्न तापमान क्षेत्रों से गुजरते हुए रासायनिक क्रिया करते हुए बर्निंग क्लिंकर जोन में आ जाता है। बर्निंग क्लिंकर जोन का जो टेम्परेचर था 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है और 1600 डिग्री टेम्परेचर पर जितने भी केमिकल्स होते हैं ये सारे के सारे पिघल कर मटर के दानों के समान संरचना में बदल जाते हैं। इन मटर के दानों के समान संरचना को हम क्लिंकर कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, क्लिंकर कहेंगे। देखो अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या रिएक्शन होती हैं और कैसे क्लिंकर का निर्माण होता है। तो सारी रिएक्शंस जो इस लास्ट वाले क्षेत्र में हो रही हैं बर्निंग और क्लिंकर जोन है। देखो बर्निंग और क्लिंकर जोन में क्या होता है, सारे के सारा रॉ मटेरियल पिघल जाता है और सारा रॉ मटेरियल पिघलने के बाद जो रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शंस के पश्चात मटर के दानों के समान कुछ संरचनाएं बनती हैं जिसे क्लिंकर हमने कहा है। अब देखिए मैंने आपको कैल्सिनेशन जोन बताया था, निस्तापन क्षेत्र बताया था, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड बना था। अब देखिए ये जो क्लिंकर जोन है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। तो जो क्लिंकर है उसमें इसका 25% होता है। यदि आपसे कई बार क्लिंकर का केमिकल कंपोजिशन पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए भैया क्लिंकर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है या परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाए, तो आप देखिए यहीं से वो क्लिंकर का केमिकल कंपोजिशन निकल के आता है। ये देखिए जब दो कैल्शियम ऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड के SiO2 या सिलिका के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं और तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज क्लिंकर में 25% होता है। इसी तरह से ट्राई कैल्शियम, ट्राई तीन मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड के सिलिका के साथ रिएक्शन करते हैं तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज होता है 45 होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे जब आप सीमेंट का कठोरीकरण और आर्द्रण देखेंगे, सेटिंग और हार्डनिंग देखेंगे तो वहाँ आपको इनके यूजेज के बारे में पता चलेगा। इसी तरह से ये जो कैल्शियम ऑक्साइड के तीन मॉलिक्यूल यहाँ पर Al2O3 एलुमिना के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने बताया था अपने रॉ मटेरियल में सिलिका लिया था, Al2O3 लिया था, एलुमिना लिया था और ये आयरन लिया था Fe2O3 के रूप में। तो इनके साथ यहाँ जो क्लिंकर जोन है यहाँ पर रिएक्शन होती है और आप देखिए Al2O3 के साथ रिएक्शन होकर ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट बनता है और ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट का जो परसेंटेज होता है वो 10% होता है। इस तरह से यहाँ पर 4CaO कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स Al2O3 और Fe2O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, आयरन जो कि Fe2O3 के रूप में है, आयरन ऑक्साइड के रूप में है, इनके साथ रिएक्शन करके टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट बनाते हैं और इसका 9% होता है। तो आपसे जब क्लिंकर का केमिकल कंपोजिशन पूछा जाए तो आप ये केमिकल कंपोजिशन लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप केमिकल्स के नाम लिख सकते हैं, उनका परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो कई बार आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जब क्लिंकर का निर्माण हो रहा होता है तो क्लिंकर का निर्माण की जो रिएक्शन होती है ऊष्माक्षेपी होती है, एक्जोथर्मिक होती है, यानी रिएक्शन के दौरान ऊष्मा निकलती है। तो जब क्लिंकर को हम प्राप्त करते हैं, क्लिंकर को ठंडा करते हैं तो हमें क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा रिलीज होती है। इस ऊष्मा का उपयोग हम क्या करते हैं, भट्टी को गर्म करने के लिए पुनः उपयोग में ले लेते हैं। कैसे उपयोग में लेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्लिंकर से जो हमें गर्म एयर प्राप्त हो रही है उस गर्म एयर का उपयोग हम कोयले के मिश्रण को और एयर को गर्म करने के लिए यूज कर लेते हैं और उस कोयले और एयर का जो मिश्रण है उसी को तो जलाकर हम क्या करते हैं, रोटेटरी क्लिन को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी को हम सेव करते हैं, एनर्जी को रीयूज करते हैं। इसके बाद जो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का तीसरा प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग यानी पीसना। अब हमने क्या किया, रोटेटरी क्लिन से हमें क्लिंकर प्राप्त हुआ, उनको हमने ठंडा कर लिया।
अब उसमें 2 से 5% हम क्या करते हैं, जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2। ध्यान रखना जिप्सम का फॉर्मूला और जिप्सम की उपयोगिता क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें जिप्सम डाल देते हैं और जिप्सम डालकर क्लिंकर को हम बारीक पाउडर के रूप में पीसते हैं और जिसे हम क्या करते हैं बाद में बोरों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं। तो आपके पास जो सीमेंट आता है वो इसी फॉर्म में आता है, जो पाउडर फॉर्म मिलता है। तो क्लिंकर और जिप्सम को हमने पीस कर बारीक पाउडर प्राप्त कर लिया है और उसको बोरों में पैक करके हमने क्या किया है, मार्केट में भेज दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सीमेंट में जिप्सम मंदक की तरह कार्य करता है और जो कि सीमेंट के जल में घुलनशील घटकों के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है जो कि सीमेंट को जल्दी जमने व कठोर होने से रोकता है। तो ये जिप्सम क्या करेगा, जिप्सम सीमेंट के कुछ घटक होते हैं जैसे ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, ये घटक है, ये क्या करता है, पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करता है और एक घुलनशील पदार्थ बनाता है। तो जिप्सम इसके साथ मिल जाएगा और इसके साथ मिलकर ये अघुलनशील पदार्थ बना लेता है और ये अघुलनशील पदार्थ बनने के कारण जो ये वाला कंपोनेंट था वो जल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ऐसे में जो सीमेंट के जमने की जो स्पीड थी, उसकी हार्ड होने का जो टाइम था वो बढ़ जाता है, यानी सीमेंट को ज़्यादा देर तक उपयोग में लिया जा सकता है। होता क्या, यदि ये हमने जिप्सम नहीं डाला तो ये जो घुलनशील घटक है, जैसे पानी इसमें डालेंगे तो ये घुल जाएगा, घुल कर क्या करेगा, ये जलयोजित हो जाएगा या जल अपघटित हो जाएगा। तो जलयोजित और जल अपघटित होने के पश्चात क्या होगा, ये हार्ड होना स्टार्ट कर देगा और ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा, यानी जैसे ही पानी मिलाया घंटे आधे घंटे के अंदर ये हार्ड हो जाएगा। आप सोचिए, यदि सीमेंट इतनी जल्दी हार्ड हो गया तो हम सीमेंट का यूज ही नहीं कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी साइट पे काम चल रहा होता है और सीमेंट का जो मिक्सर प्लांट है वो कई किलोमीटर दूर होता है, वहाँ पर मिक्सिंग के बाद उसका रॉ मेटेरियल जो होता है, सीमेंट और पत्थर गिट्टी को मिलाकर हम मसाला तैयार करते हैं, और उस मसाले में यदि इतनी जल्दी हार्डनिंग होगी तो हमने जैसे ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जम जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते यूजलेस हो जाएगा। तो उस टाइम को बढ़ाने के लिए, जो उसका सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए हम इसमें कैल्शियम सल्फेट डाल देते हैं, यानी जिप्सम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ये जमने में थोड़ा टाइम लेता है और इसी से हमको उपयोग करने में आसानी हो जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका सेटअप डायग्राम के रूप में बताया आपको। देखिए, ये रोटरी क्लिन है जो कि इस तरह से घूम रही है और इसकी स्पीड होती है 1 चक्कर प्रति मिनट, 15 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यदि आप अर्थ से इसका एंगल निकालेंगे तो 15 डिग्री का इसका एंगल होगा। और यहाँ जो देखो, ये वाला जो पार्ट है, आप देखिए रॉ मटेरियल स्लरी के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल डाल रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप से हमको प्राप्त हुआ था, और उस पहले स्टेप में बारीक पेस्ट के रूप में स्लरी प्राप्त हुई थी और हमने इसमें डाला। तो देखो यहाँ पर क्या, कई सारे टेम्परेचर जोन बन रहे हैं। ये वाला एरिया है, देखो यहाँ पर कोल का पाउडर है, कोयले का पाउडर है और ये एयर है। इस एयर के मिश्रण से हमने भट्टी को गर्म किया है। तो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला एरिया होगा। यहाँ पर 1600 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ देखेंगे तो यह 400 डिग्री टेम्परेचर है, 700 डिग्री टेम्परेचर है, 1000 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग टेम्परेचर जोन बन गए और अलग अलग टेम्परेचर जोन बनने के कारण क्या हुआ, रिएक्शन भी अलग अलग होती है। तो ये आपने देखा होगा ड्राइंग जोन, प्रिएटिंग जोन, कैल्सिनेशन जोन और क्लिंकर जोन। क्लिंकर को हम यहाँ से यहाँ इकट्ठे कर लेते हैं। ये क्लिंकर या मटर के दाने के समान संरचना एक क्लिंकर है और ये क्लिंकर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। देखो ये क्लिंकर इकट्ठे हो गए और इनको इकट्ठा करके जो ठंडा करते हैं तो यहाँ से जो हीट जनरेट होती है, इस हीट को हम यहाँ पर डस्टिंग चैम्बर में ले आते हैं और इस डस्टिंग चैम्बर से निकालते हुए इस एयर को गर्म करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। तो इस हीट को भी पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि क्लिंकर बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया है, तो इस एनर्जी को हम पुनः उपयोग में ले लेते हैं। अब कई बार आपसे पूछा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्लिंकर का संगठन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सीमेंट का संगठन क्या होता है, तो आप वो भी यहाँ से आप बता सकते हैं। जो क्लिंकर का संगठन होता है उसमें 2 से 5% जिप्सम डाल देंगे तो सीमेंट का बन जाएगा। क्लिंकर का क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट होता है।
तो ये चारों चीज होती है क्लिंकर में, और इसमें आपने यदि 2 से 5% जिप्सम डाल दिया तो सीमेंट बन जाएगा। तो क्लिंकर में सीमेंट डालने के पश्चात क्लिंकर में जिप्सम डालने के पश्चात सीमेंट बनता है। तो ये सीमेंट का बनने का प्रोसेस था। अब जो रिमेनिंग है हार्डनिंग एंड सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, उसको हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।